तो गाइज आज मेरी ब्रेकफास्ट में है ओवरनाइट ओट्स तो कल मैंने रात को दही दूध ओट्स और एक चम्मच चिया सीट्स के साथ सोख करने के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था कुछ देर पहले मैं इसको फ्रिज से निकाल के रख दिया ताकि नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए अब इसे आप अपनी मनपसंद चीज के साथ टॉपअप कीजिए मैंने इसमें डाला है एक चम्मच हनी थोड़ी सी सॉल्ट सॉल्ट से क्या होता है स्वाद निखरता है है ना और इसमें मैं एक राइप बनाना इसमें डालूंगी ओट्स आप जानते ही है इनक्रेडिबली न्यूट्रिशियस एंड ओटमिल इज अ वेरी फिलिंग इट्स हेल्प यू टू लूज योर वेट एंड दही दही इज हाई इन प्रोटीन बेनिफिशियस फॉर योर डाइजेस्टिव हेल्थ एंड इट्स प्रोमोट उट वेट मैनेजमेंट और जो चिया सीड्स हमने इसमें डाले हैं वो आपको बहुत देर तक फुल रखने के लिए हेल्प करेंगे एंड इट्स आल्सो रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन कभी कभी मैं इसमें टोस्टेड वॉलट को क्रश करके डालती हूँ और थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर भी डालती हूँ इससे भी ये बहुत बढ़िया टेस्ट करते हैं मसाला ओट्स ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं और वो पैकेट वाला मसाला ओट्स बिल्कुल नहीं घर पे बनाया हुआ मसाला ओट्स समटाइम आई ईट चीलाज लाइक बीटरूट चीलाज बेसन चीलाज मूंग चीला एंड आई रियली रियली लव चीलाज विथ दही तो बढ़ते हैं हमारी लंच की तरफ क्योंकि आज संडे है तो मम्मी ने आज कुछ स्पेशल बनाया लंच में रोटी और चिकेन उसके साथ में ले रही हूँ एक गिलास छाँस यानी कि बटर मिल्क दही पानी काली मिर्च और थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट और उसके साथ है थोड़ी सी प्याज की सैलेड जिसमें मैंने थोड़ी सी नींबू और थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट डाल के तैयार किया है यह है मेरी संडे वाली लंच लेकिन जो नॉर्मल डेज में ऑफिस लंच बॉक्सेस होती है उसमें मम्मी दो रोटी और एक बोल भर के सब्जी डालती है और वो भी मुझे बहुत पसंद है तो बढ़ते हैं हमारी डिनर की ओर डिनर के लिए मैं बना रही हूँ चिकन सैलेड जिसके लिए मैंने प्याज टमाटर कैप्सिकम लहसुन और चिकन को नींबू और अदरक लहसुन और नमक से मैरिनेट करके रख दिया है हाँ चिकन मुझे बहुत पसंद है और आज संडे है इसीलिए चिकन सैलेड तो कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी एकदम थोड़ी सी तेल डाल के जो पूरी की पूरी मैरिनेट की हुई चिकन थी वो मैंने डाल दिया और इसको हम कुक करेंगे थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के और ढक्कन खोलने के बाद आप देख सकते चिकन ने जो है अपनी पानी रिलीज़ कर दी है इसको हम पूरी तरीके से कुक करेंगे एकदम ब्राउन ब्राउन कर लेंगे चिकन को भून लेंगे तो चिकन भून के रेडी हो गया इसको हम अलग से एक प्लेट में उतार लेंगे और इसी कढ़ाई में हम सैलड की प्रिपरेशन करेंगे तो ये देखिए चिकन हो गया तैयार ये मैंने ट्रांसफ़र कर लिया दूसरी प्लेट में और उसी कढ़ाई में मैं दूंगी थोड़ी सी सरसों का तेल सरसों का तेल हमारी सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है इसको हम हीटअप कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे बहुत सारी लहसुन हाँ बहुत सारी लहसुन इसको हम पहले भून लेंगे और लहसुन को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर टमाटर और लहसुन की जो खुशबू होती है अमेजिंग एक साथ भुनने के बाद अमेजिंग लगता है भून लेंगे अच्छी तरीके से और ये भुन गया है और अब हम इसमें डालेंगे वो जो बड़ी बड़ी कट के जो प्याज हमने रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे आपको शायद लग रहा होगा कि मैंने इसमें ज्यादा तेल यूज किया है लेकिन बिल्कुल भी नहीं ये तीन लोगों के लिए बन रहा है चिकन को भूनने के लिए मैंने दो चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है और सब्जी को भूनने के लिए मैं एक चम्मच तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये तीन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्ट है और संडे के हिसाब से तो और भी ज्यादा परफेक्ट है प्याज को मैंने यहाँ पे हल्का भून लिया है और इसमें हम डालेंगे कैप्सिकम मम्मी ने कुछ ज्यादा ही छोटा काट दिया लेकिन कोई नहीं खाना तो हमें ही है तो कैप्सिकम को भी हम एक मिनट तक के लिए भून लेंगे अच्छी तरीके से मतलब इसको एकदम सॉफ्ट नहीं करना क्रंची ही रखना है तो बस इसको हमें एक मिनट के लिए ही कुक करना है और इसमें हम अब डालेंगे मसाले मसाले के लिए मैंने दो ड्राई चिलीज को सूखी तवे पे से लिया है और उसको हाथ हाथों से क्रश कर लिया और ये बन गया आपका होम मेड चिली फ्लेक्स तो चिली फ्लेक्स जो हमने तैयार किया वो हम पूरे की पूरी इस सब्जी में डाल देंगे और इससे ही तीखापन आएगा और हम इसमें डालेंगे पिज्ज़ा सीजनिंग यानी कि ओरिगानो तो इसको हम जी भर के एकदम भर भर के डालेंगे इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट मिलता है और देखिए इसको हम सब्ज़ी में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और अब इसमें हम डालेंगे जो कुक की हुई चिकन हमने रखा था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे कोई भी जूस कुछ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे सब कुछ इसमें हम डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेने के बाद ही तैयार है चिकन सैलेड ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है प्रोटीन रिच होता है वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है मस्ट ट्राई दिस दिस इज फेवरेट फेवरेट डिनर डिनर ऑप्शन इसे आप में एक फुल भर के खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी है अमेजिंग है और दिखने में भी लाजवाब है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई जरूर एक लाइक कर देना और एक बात आज संडे है इसीलिए मैं दोपहर और रात को दोनों टाइम में ही मैं चिकन ले रही हूँ क्योंकि मुझे चिकन बहुत ज्यादा पसंद है अगर आप मेरी इतना चिकन नहीं पसंद करते हैं या फिर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप यही सेम रेसिपी पे चिकन की जगह पनीर डाल के देखिए यानी कि पनीर सैलेड ये भी बहुत ही टेस्टी होता है और कभी कभी मैं छोले की सैलेड यानी कि जो काली चना होता है उसकी सैलेड भी लेती हूँ ये रिच इन प्रोटीनस है ये भी आपकी वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही असरदार है ये तो हो गया सैलड्स इन डिनर लेकिन मैं सूप भी कभी कभी डिनर में लेती हूँ उसके लिए मैं चिकन सूप लेती हूँ चिकन की क्वांटिटी इसमें बहुत कम डालती हूँ और वेज को ज़्यादा लेती हूँ और सूप को मैं ज़्यादा इंटेक करती हूँ सूप और सैलेड आपकी वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है आप लोगों ने देख ही लिया मैं अपनी मील्स में प्रोटीन और वेजिस को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कार्ब्स में जितना हो सके उतना ही अवॉइड करती हूँ स्पेशली ऑन में डिनर मैं, मैं काब्स लेती नहीं ओनली प्रोटीन और वेजिस ही लेती हूँ एंड 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 आप बिलीव नहीं करोगे इस डाइट प्लान से मैं अपनी पाँच के जीज ऑलरेडी लूज कर चुकी हूँ एंड आई एम स्टिल लूजिंग एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ इस वीडियो में मैंने कोई भी स्नैक्स या ड्रिंक्स इंक्लूड नहीं किया है उसके लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी तो स्टेट यून फॉर दैट एंड आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर